आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। प्रशांत किशोर जो कि इन दिनों जन सुराज यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार के हर गांव हर जिले तक की यात्रा कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार पिछले कुछ वक्त से देश की राजनीति का एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी तक बैठाने का श्रेय लेते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मैंने राहुल गांधी के साथ भी काम किया है। लेकिन पिछले कुछ वक्त में बिहार में घर घर जा करके हर गांव जा करके वो अपनी सियासी जमीन को तैयार कर रहे हैं। इस दौरान पिछले वक्त में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी पलटी मारी है उसके बाद नीतीश कुमार पर भी जमकर भड़के हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव जो अविश्वास यात्रा बिहार में निकालने जा रहे हैं वहां पर जमकर भड़के हैं तेजस्वी यादव पर और लालू परिवार पर प्रशांत किशोर। उनका क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव और लालू परिवार नीतीश कुमार को लेकर के आपको सुनाते हैं। आपने कहा जन विश्वास यात्रा, आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। अभी राहुल गांधी कर रहे हैं न्याय यात्रा, कितना बिहार के लोगों को न्याय मिल गया। तो इनके जन विश्वास यात्रा करने से क्या होगा? सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा, 30 वर्ष से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। 30-32 वर्ष में बिहार से गरीबी कम नहीं हुई, पलायन रुका नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं, तो अब किस विश्वास की बात कर रहे हो? जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, आएंगे विश्वास यात्रा में, भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। जिन लोगों ने आरजेडी को, लालू जी के, उनके बच्चों की सरकार को देखा है, वो जानते हैं कि ये लोग जात पात, हिंदू मुस्लिम और भ्रष्टाचार गुंडागर्दी से ऊपर उठकर राजनीति नहीं कर सकते हैं। वो आरजेडी का कैरेक्टर है, इन चार चीज से ऊपर उठकर आरजेडी के लोग राजनीति नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव उससे अलग नहीं है। तो आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि पिछले 30-32 सालों में यहाँ पर बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक दबदबा रहा है, यानी कि लोगों की सरकार रही है लेकिन बिहार में शिक्षा स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पाया, बिहार का प्लान रोक नहीं पाए, मजदूर फैक्ट्री बना दिया है बिहार को और बिहार की व्यवस्था इस वक्त बद से बदतर हो गई। अब देखना यही होगा कि आगामी चुनाव में प्रशांत किशोर क्या चुनावी ताल ठोकते हुए बिहार में कोई नई क्रांति ला पाते हैं या फिर सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रह पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।